बिसमिल्लर रहीम रबली सदरी वसरली अमरी वाहल़दतमिलसानी वा यफ हुकूल असल स्टूडेंट्स मैं हूँ वाजिद अली कम्बो आपका केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर अलेवन और आज हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एथनॉल हम इस, हाँ इस लेक्चर में एथनॉल उसकी फर्मेंटेशन यानी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एथान फर्मेंटेशन बाई मोलैसिज फर्मेंटेशन बाई फ्रोमोल फर्मेंटेशन फ्रॉम स्टार्स और फिर हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर तो हम आगाज करते हैं माई डर स्टूडेंट एथनोल एनोल एनोल को हम ना स्टूडेंट इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड इथाइल अल्कोहल अल्कोहल हम ना एथेनॉल को आ, ग्रीन अल्कोहल भी कहते हैं ग्रीन अल्कोहल अच्छा हम इसको ग्रीन अल्कोहल क्यों कहते हैं बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टार्च ग्रीन ये स्टार्च ग्रेन उससे असर होता है इट इज आल्सो कॉल्ड स्पिरिट ऑफ स्पिरिट ऑफ वाई स्पिरिट ऑफ वाई अच्छा इसका अगर मैं मुलाख फॉर्मूला लिखूं तो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच या स्टूडेंट में इसको लिख सकता हूं सी टू एच फाइव ओ एच अच्छा एक बात मेरी याद रखना हम एवरीडे लाइफ में जब कहते हैं अल्कोहल तो अल्कोहल से हमारी मुराद एथनोल होता है यानी एवरीडे लाइफ में हम हम जो अल्कोहल बोलते हैं ना अल्कोहल तो अल्कोहल से मुराद क्या होती है एथनोल एथनोल ही मुराद ली जाती है अब हम आगे बढ़ते इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एथनोल एथनोल की लगातारेशन माय डियर स्टूडेंट एथानोल की लार्ज स्केल प्रेपरेशन के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन अब याद रखना वर्ल्ड वार सेकंड से पहले 75 परसेंट एथानोल प्रेपरेशन वो फर्मेंटेशन से होती थी आजकल लेस देन 10 परसेंट एथानोल मैन्युफैक्चरिंग वो फर्मेंटेशन से हो रही है एथानोल की मैन्युफैक्चरिंग के और कई मेथड भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं लेकिन फर्मेंटेशन अभी भी गालब गालब वो तरीका है जिससे आप एथरोल की प्रेपरेशन करें। हमारे लेक्चर में फर्मेंटेशन ही आज का बुनियाद जो मेन जो वाइटल डिस्कशन है टॉपिक वो फर्मेंटेशन ही माय डियर स्टूडेंट ये जो फर्मेंटेशन है ये ये एक लफ्ज है फॉरवर्ड फॉरवर्ड मीन टू बॉय फॉरवर्ड मीन टू बॉय तो फर्मेंटेशन का जो लफ्जी मतलब फॉरवर्ड और उसका मतलब क्या है टू बॉइल हम फर्मेंटेशन को फर्वर या क्यों कहते हैं? अभी डिस्कशन के अंदर मैं समझाऊंगा। की डेफिनेशन जो हमारी टेक्स्ट -बुक में लिखी हुई है। अब बायोकेमिकल प्रोसेस पहली बात। फर्मेंटेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम सेक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट यानी फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि कुछ एंजाइम्स उसकी मौजूदगी में होता है एंड दोज एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय डिफरेंट माइक्रोजन इसमें एक यस्ट है तो है। अब इसमें जो जो चीजें नजर आ उनकी तरफ आई माय डियर स्टूडेंट पहली बात तो जिनमें बैठा है कि फर्मेंटेशन है क्या फर्मेंटेशन में लार्ज मॉलिक्यूल्स दे आर कन्वर्टेड इन टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि आप देख सकते हैं अब ना ये जो कन्वर्जन है

Uh, ये जो फर्मेंटेशन है इसमें एंजाइम जो है दे आर द कैटलिस्ट दे आर बाय द एंजाइम लफज एंजाइम को देखें एनजाइम जाइम का जब जा भी लफजाइम जाइम मीन हीस्ट यीस्ट एनजाइम के मीनिंग क्या बने इन यीस्ट अब ये यीस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा चलू स्टूडेंट येस्ट इज अस्कोपिक यूनिसेलुलर फंगस ये आप देख सकते दिस वन इज द यीस्ट माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर फंगस इट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली इन सूटेबल कंडीशन एंड दिस यीस्ट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स और जिसमें अभी हम पढ़ेंगे हम इसमें इनवर्टेज पढ़ेंगे माल्टे पढ़ेंगे माल्टेज पढ़ेंगे और कई एंजाइम्स है एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंप्लेक्स प्रोटीन कंपाउंड्स तो जो एंजाइम्स है मोस्ट ऑफ द

यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस जिस टेम्परेचर पर फास्टेस्ट होता है प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा देता है called, और वो, 25, मुझे रेंज है अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर हो वो तो एक सिंगल डिजिट होना चाहिए ना मतलब हम कहते हैं कि जी ज्यादातर बुक्स में लिखा हुआ सेवन डिग्री सेंटीग्रेड ये वो टेंपरेचर है जिस पर आप मैक्सिमम यील्ड हासिल करते हैं ड्यूरिंग फर्मेंटेशन तो दिस टेम्परेचर इज एक्चुअली द ऑप्टिमम टेंपरेचर और ये जो लिखा हुआ ना दिस वन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज रेंज तो ज्यादातर बुक्स 27 सेवन डिग्री अब इसमें एक बात में रखना अगर टेम्परेचर 25 से कम होगा 25 से कम होगा तो इंसाइन जो है वो उसकी कैटलिटिक एक्टिविटी कम होती जाएगी इनएक्टिव होता जाएगा और दूसरी बात अगर टेम्परेचर इससे बढ़ता जाएगा प्रोटीन प्रोटीन अब ये याद रखना प्रोटीन प्रोटीन तो बढ़ने से जो के प्रोटीन है, वो जाएगाचर होते जाते हैं और डी नेचर होने का मतलब उसकी एक्टिविटी कम होती है एक बार याद रखना ये एंड तक याद रखनी है आपने बायोकेमिस्ट्री की के एक बुक है उसके हर पेज पे ये लिखा हुआ है नो एंजाइम नो फर्मेंटेशन अंजाइम नहीं होगा फर्मेंटेशन नहीं होगी तो हाई टेम्परेचर डी नेचर दो नो अनुपरेचर रेंज ये है और आपके पास इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम ही प्रॉपर एयरेशन हवा ना ज्यादा हो ना कम हो अगर अगर एयर एयर मीन ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो आपके पास जो एथेनॉल बनेगा वो मजीद ऑक्सीडाइज होकर एसिटाल्डिहाइड बना देगा इसका मतलब है आपके पास उतनी ही ऑक्सीजन ना बहुत कम होनी चाहिए ज्यादा नहीं होनी चाहिए ज्यादा, ज्यादा जो है है वो फर्दर ऑक्सीडेशन कर देती प्रोडक्ट की डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अहम बात है ये माय डियर स्टूडेंट ये भी बात याद रखना अगर आपके पास जो फर्मेंटेबल सॉल्यूशन है जो फर्मेंटेबल शुगर सॉल्यूशन है अगर वो कंसंट्रेटेड होगा तो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन में इंजाइम इनएक्टिव होता है लिहाजा आपको सोल्यूशन को डायल्यूट करना पड़ेगा टू एक्टिवेट द द एंजाइम और लास्ट पे वी हैव एब्सेंस ऑफ एनी ये जो दिजर्वेटिवेटिव हम यूज करते हैं जो केमिकल यूज करते हैं दीज केमिकल्स आर टू द फूड ये कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं तो टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब इसमें फर्मेंटेशन में हम यीस्ट को एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं अब अगर आप प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो ये यीस्ट को किल करेंगे यीस्ट नहीं हो नहीं होगी एंजाइम प्रोड्यूस होगा और अगर एंजाइम नहीं होगा तो फर्मेंटेशन नहीं हो सकेगी लेकिन एक बात याद रखना वो क्या जब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं ना तो अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जरूर डालते हैं जो फर्मेंटेबल शुगर है ना उसमें कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं उसका फायदा क्या होता है उसका फायदा ये होता है कि वो बैक्टीरिया को किल करती है लेकिन यीस्ट उसको नुकसान नहीं पहुंचाती लिहाजा कंट्रोल यूज कर सकते हैं ज्यादा मकदार में आप यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट ये चार थी मेरे पास नेसेसरी कंडीशन टू कैरी आउट ऑफ फर्मेंटेशन हम आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट रॉ मटेरियल यानी वो कौन सा मटेरियल है जिससे फर्मेंटेशन जो है वो किया अब इन पाकिस्तान द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल इज हम मोलैसिस को लेते हैं molasses. हम स्टार्च ग्रेन अल्कोहल बनाते हैं और हम फ्रूट जूसेस से जूसेस ये मैं पाकिस्तान की बात करता हूं ये वो रॉ मटीरियल है जिनकी फर्मेंटेशन से हम एथनोल बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट हमारे सिलेबस में पहली बात आएगी फ्रॉम तो रहा, होता क्या क्या लिखी हुई माय डियर स्टूडेंट ये बात में बैठा मुलासिस इज द रेजिड्यूबेन आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर दूसरी बात जब आप शुगर की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं किससे फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर कैन जूस आपने कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस लेना है उससे आप शुगर के क्रिस्टल हासिल करेंगे फिर उस दौरान जो रेजिड्यू बचेगा दैट रेजिड्यूज कार्ड मोलेसिस हम उसको मोलेसिस कहेंगे मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं मैं आपको मोलेसिस हकीकी तौर पर बताना चाहता हूं होता क्या माय डियर स्टूडेंट जरा आप देखेंगे आपके पास ना ये शुगर कैन है गन्ना शुगर कैन आप ही शुगर कैन इसके समाल पीसेस बनाते हैं उन समाल पीसेस को आप अच्छी तरह वाश करते हैं अब इन समाल पीसेस को मजीद आप छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं अब इनको आप ये कंप्रेस्ड मशीन उनमें से पास करवाते हैं अब इसमें क्या होता है ये हाईली कंप्रेस्ड मशीन जो हैं, ये इसमें से शुगर कैन जूस उसको अलग कर देती है और बाकी बगास वो अलग हो जाता है इस तरह आपके पास आपने ये शुगर कैन से गन्ने से शुगर कैन जूस अलग कर लिया और बाकी ये आपके पास बगास बचा फोक बचा ये अब ये जो आपके पास शुगर कैन जूस है ना अब इसका कलर देखेंगे ये डार्क ग्रीनिश कलर का होता है इसमें अलाट ऑफ इंप्योरिटीज होती है आप फिर डिफरेंट केमिकल का इस्तेमाल करके आप इसमें से इंप्योरिटीज को अलग करते जाते अब आपके पास इस कलर में आ, ये आपके पास कंसनट्रेटेड शुगर कैन जूस आ गया

दिस वन इज अ रिच एंड चीप सोर्स ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज अगर आप इसका कलर इट इट हैज़ हैज़ अ डार्क, थिक, सीरपी मटीरियल और इट शुड बी कैप्टन माइंड इट कंटेन सिक्सटी परसेंट फर्मेंटेबल शुगर इसमें मोलैसेज में सिक्सटी परसेंट फर्मेंटेबल शुगर है सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह सिक्सटी परसेंट अब दिस वन इज द दिस वन इज द मोलेसिस अब मोलेसिस अंडरगो फर्मेंटेशन अब हम मोलेसिस की फर्मेंटेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंजाइम की मौजूदगी में एंड दोस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन यीस्ट और इसके नतीजे में आपके पास एथेनॉल हासिल होगा अब इक्वेशन देख ले इक्वेशन में ये मेरे पास C12H22O11 दिस वन इज कॉल्ड दिस वन इज कॉल्ड मोलेसिस ये है। आपने काम क्या करना है इसमें वाटर को ऐड करना है।, है ना इट कंटेन शुगर फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यह और इसमें इंजाइम इनएक्टिव होगा आप क्या करते है? आप इसकी डायल्यूशन करते हैं एडिंग द वाटर याद रखना उस डायल्यूशन के दौरान आप फाइव वॉल्यूम वाटर यूज करते हैं अगेंस्ट वन वॉल्यूम ऑफ मोलेसिस इस तरह ये आपके पास जो डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है इट कंटेन एट टू टेन परसेंट शुगर अब ये इतनी कंसेंट्रेशन होती है जिसमें जो आपके पास एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है तो हमने पहला काम क्या किया हमने इसके अंदर वाटर को ऐड किया और इसका एक डायल्यूट सोलूशन बनने हमने अभी कहा है ना कि डायल्यूशन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन तो हमने इसका बनाया अब ये आप जो आपके पास स्टूडेंट एंजाइम है अब क्या करेगा हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे एक आपके पास सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और दूसरा भी यही सी सिक्स एज ट्वेल्व ओ सिक्स अब आप कहेंगे ये तो एक ही चीज है स्टूडेंट ये एक चीज नहीं ये दो मुख्तलिफ चीज है दिस वन इज ग्लूकोज गुकोज एंड दिस वन इज फ्रुक्टोज ये दो अलग अलग चीजें हैं दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है इट शुड बी इट शुड बी इन माइंड दैट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दे हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला सी सिक्स एज ट्वेल्व बोथ आर आइसोमर्स बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर

आप याद रखें कि जब भी किसी के एंड पे एज आ एस, तो एस रहा है एज तो एज अनजाइम की तरफ इशारा है तो इट इस आल्सो प्रेजेंट इन यीस्ट इसका तो नाम ही ना जाइम जाइम का मतलब ही यीस्ट होता है तो जाइमीज अब ये क्या करेगा इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इन टू सी टू एच फाइव ओ एच प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो ये दिस वन इज द माय डियर स्टूडेंट आपका ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो एथेनॉल है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दिस वन इज द बाय प्रोडक्ट और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है ना अगर आप देखेंगे ना तो इस प्रोसेस के दौरान फर्मेंटेशन के दौरान आपके पास ये एक ना फ्रोथ बन जाता है शोरबा समान तो ऊपर और अगर आप देखेंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये सॉल्यूशन जो है ये बॉयल कर रहा है बॉयल, ये जो बॉइलिंग इट इज ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इस बॉयलिंग की वजह से हमने इसे फर्वर आई मीन फर्मेंटेशन का नाम देते हैं माय डियर स्टूडेंट ये था मोलेसिस क्या है आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और हम मोलेसिस से किस तरह एथेनॉल प्रिपेयर करते हैं दो स्टेप्स हैं पहले में इनवर्टेज ये कैटालाइज कर रहा है और दूसरे स्टेप में ग्लूकोज को एथानोल में जाइमेज इनवर प्रेजेंट इन यीस्ट तो दिस वन इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस दिस वन इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और ये हमने किससे की है ये हमने मुल से की। हमारे हमारे सिलेबस में स्टार्च से फर्मेंटेशन कैसे उसको देखते माई डियर स्टूडेंट अब हम स्टार से अल्कोहल कैसे दी स्टार्च पहले स्टार्च की बात करें माय डियर स्टूडेंट आपके पास ये जो पोटैटोस है बार्ले है दे आर रिच एंड चीप स्टार्ची मटेरियल तो आप इनसे स्टार्च बहुत ज्यादा मिलता है अब हमने काम क्या करना है हमने स्टार्च से स्टार्च से एथेनॉल को हासिल करना है करना क्या है मैं आपको दो 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 स्टेप्स बताता हूं डियर स्टूडेंट पहले आपने क्या करना है आपने स्टार्ची मटेरियल लेकर इसकी हाइड्रोलिसिस से शुगर बना दी है और फिर इस शुगर की फर्मेंटेशन से आप अल्कोहल बनाएंगे ये दो काम आपने करने पहली बात हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू माल्टोस दिस वन इज द स्टार्च ये आपके पास स्टूडेंट स्टार्च है स्टार्च सी सिक्स एच टेन ओ फाइव टेकन एन स्टार्च आप इसमें भी वाटर एड करके इसका डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे और इस दौरान आप एक एंजाइम यूज करेंगे दैट इज डाया मदद के साथ लिख रहा हूं यहां पे मैं ये लिख रहा हूं लेकिन मैं इसे इख्तलाफ भी करूंगा माई डियर स्टूडेंट डायस्टेज के बारे में कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं जरा गौर से सुनिए ये जो तो डायास्टेज है ना दिस वन इज द फर्स्ट इनजाइम टू बी डिस्कवर्ड सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो ये डायस्टेज इट इज प्रेजेंट इन बार्ले डायस्टेज जो में मौजूद है बार्ले में मौजूद है एंड कैन बी डिवेल्प सिग्निफिकेंटली फ्रॉम फ्रॉम जर्मिनेशन कैसे आप काम ये करें आप बार्ले लेकर आप उसको पानी में भिगोएं टेंपरेचर 10 टू 13 डिग्री सेंटीग्रेड रखें फ्यू डेज चंद दिन आप उसको पानी में टेन टू थर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड को अब आप इसको पानी से निकालकर आप इसको अंधेरे में फिफ्टी सेंटीग्रेड तक सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे ताकि इसकी जर्मिनेशन को रोका जा सके इसके बाद आप इसको ड्राई करें यह जो जर्मिनेटेड बार्ले मिलाना दिस वन इज कार्ड माल्ट अब ये याद रखना है दिस माल्टेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द जर्मिनेटेड बारे और इस जर्मिनेटेड हमने माल्ट इट कंटेनरेबल अमाउंट ऑफ डायस्टेस। अब यही जो बारे है आप इसको स्टार सोल्यूशन ऐड करते हैं और इस बार्ले में मौजूद है यह स्टार्च जो डायल्यूट सोल्यूशन स्टार्च उसको यह माल्टोस में कन्वर्ट ये बात आपने में बैठानी बहरहाल स्टार्च दिया मैंने डायस्टेज लिखा बुक के मुताबिक यीस्ट मैंने लिख दिया मैंने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया अब क्या हुआ इसमें भी आपने पारी डाला बनाया जाए में ही एक्टिव होता है। अब आपके पास क्या बनेगा अब आपके पास बनेगा स्टूडेंट ये सी सी ट्वेल्व एज ट्वेंटी टू ओ अलेवन सी ट्वेल्व एज ट्वेंटी टू

माल्टोज पहले आपने क्या लिया था इधर आपने मुलास लिया था इधर क्या माल्टोज आपने मुलेसिस को किया था माल्टोल माल्टोज को डायल्यूट करेंगे अब यहां पे जो हमारे पास यूज़ होता है माल्टेज माल्टेज आसान हुआ याद करना इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट अब ये क्या करेगा ये इसको फ्रुक्टो ग्लूकोज में सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स

हम क्या करेंगे ग्लूकोज जाइमेज इसको कैटालाइज करेगा और आपके पास एथेनॉल बिल्कुल सही यहां पे आप क्या लिखेंगे जाइमेज एंड दिस जाइमेज प्रेजेंट इन यीस्ट कैटालाइज करेगा एंड यू विल गेट यू विल गेट C2H5OH ये एथेनॉल बना जिसको तो हम बनाना चाह रहे हैं एथेनॉल प्लस 2CO फिलहाल यहां तक ना जो मैंने लिखा इसको जरा समझे मैं आपको ना एक एक्सपेरिमेंट समझाता माई डियर स्टूडेंट मेरे पास ना ये कॉनिकल फ्लास्क है इस कॉनिकल फ्लास्क में मैं टेन मिली लीटर वाटर लेता हूँ दिस वाटर शुड बी डिस्टिल्ड वाटर वाटर टैप नहीं लेना डिस्टिल्ड वाटर लेना है। अब आप क्या करें आप इस वाटर में डिस्टिल्ड वाटर में थ्री ग्राम शुगर ऐड करें अब इसको आप अच्छी तरह हिला लें ये आपके पास ये शुगर सोलूशन बन गया अब आप इसके नेक पे आप इसके ऊपर बैलून बैलून जो है ना उसको आप लगा दें अब आप एक और काम करें आप एक और फ्लास्क लें। इसमें भी हंड्रेड मीटर लीटर लें। अब आप क्या करें आप इसमें वन ग्राम वेड यीस्ट यीस्ट लें। इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह आप डिसॉल्व कर करें अब आपके पास यीस्ट ये सॉल्यूशन बना अब इसके ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह बैलून जो है उसको फिट कर डी स्टूडेंट अब आप एक और कॉनिकल फ्लास्क करें अब इस फ्लास्क के अंदर आप 100 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर लें उसमें उसमें आप आप उसमें ग्राम शुगर ऐड करें शुगर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह हिला लें ताकि आपके पास ये शुगर इसमें डिजोल्व हो जाए अब आप क्या करेंगे अब इसमें 1 अब आप पास ये जो इस वन इस इसमें वाटर भी है इसमें शुगर भी है इसमें इसको अच्छी तरह हिला के अब आप क्या करें आप इसके ऊपर बिल्कुल जैसे पहले आप दोनों में किया आप इसके ऊपर बैलून को फिट कर चौथी फ्लास्क लें चौथी फ्लास्क में भी इसी तरह आप 100 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर लें उसमें 3 ग्राम वेड शुगर ऐड करके उसको अच्छी तरह डिसॉल्व कर लें फिर आप उसमें 1 ग्राम वेड यानी पहले जो वजन किया हो यीस्ट वो ऐड करके इस पूरे सॉल्यूशन को होमोजेनाइज कर लें अब आपने काम क्या करना है यह अब आपने पहले वाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करना है अब आप इस सोल्यूशन को आप हीट करेंगे अब तब तक हीट करेंगे जब तक इसके वेपर्स बनाना शुरू हो जाए अब आप क्या करें अब आप इसको ठंडा कर ले आ, कुछ देर के बाद आप इसको पड़ा रहने जब यह बिल्कुल ठंडा हो जाएगा आप इसके ऊपर भी बैलून फिट कर दें माई डियर स्टूडेंट यह आपके पास चार डिफरेंट कॉनिकल फ्लास्क इसमें सोल्यूशन बन गया पहले में क्या था वाटर शुगर दूसरे में क्या था वाटर यीस्ट तीसरे में क्या है वाटर शुगर यीस्ट चौथी में क्या है वाटर शुगर यीस्ट लेकर हमने इसको क्या किया हुआ है किया दिस वन इज बॉइल्ड अब ये चार आपके आप इसको आवर्स के लिए रख छोड़े। अगले दिन आके आप देखेंगे ना आप देखेंगे कि पहली दूसरी और चौथी जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें बैलून को अगर आप देखेंगे तो वो बता रहा है कि उसमें किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं हुआ लेकिन ये जो तीसरी है जिसमें आपने जिसमें आपने आपने वाटर लिया था आपने शुगर लिया था और यीस्ट लिया था लेकिन बॉय नहीं किया था इसमें आप देखेंगे तो बैलून जो है वो यहाँ पे इन, इन्फ्लेट भर चुका है इसका मतलब है कि इसके अंदर रिएक्शन हुआ अगर आप करीब जाके देखेंगे ना तो इसके ऊपर ना इसके सरफेस के ऊपर ये बबल्स बन रहे हैं एक्चुअली दिस वन इज द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने ना फोर्थ वन इस फ्लास्क में भी बारले डाला था

अल्कोहल ऑबटेन बाय फर्मेंटेशन यानी आपने ये फर्मेंटेशन की ये अल्कोहल बना आपने मुलासर से फर्मेंटेशन की ये अल्कोहल बना एथनोल बना ये जो एथनोल हासिल हुआ फर्मेंटेशन से अल्कोहल से मेरी या मुराद एथनोल है एथनोल ऑब्टी अपना है एंड एंड नेवर एक्सीड फोर्टीन परसेंट यह वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके पास एथेनॉल हासिल होता है ये 12% परसेंट और 14% परसेंट से कभी एक्सीड यानी ये बात ये बात आपने जेन में बिठा लेनी है फर्मेंटेशन के नतीजे में फर्मेंटेशन के नतीजे में जो अल्कोहल बना जो एथेनॉल बना इसमें 12 से लेकर 14% फीसद तक सी टू एच फाइव ओ एच है एथेनॉल है और बाकी इसमें तकरीबन तकरीबन इसमें 86 परसेंट वाटर है अब इससे ज्यादा कंसेंट्रेशन वाला अल्कोहल आप फर्मेंटेशन से हासिल नहीं कर सकते अगर आप कहें ना कि 20% परसेंट एथानोल वाला हमारे पास प्रोडक्ट बने तो वो फर्मेंटेशन से नहीं बन सकता फर्मेंटेशन से ऐसा नहीं हो सकता क्यों बिकॉज बियॉन्ड दिस लिमिट 14% परसेंट से ज्यादा अगर होगा बियॉन्ड दिस लिमिट एंजाइम बिकम इनएक्टिव ये मैंने आपसे कहा था हम ना फर्मेंटेशन के लिए क्या किया हमने 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 मोलेसिस को डाइल्यूट किया हमने स्टार्च को डाइल्यूट किया डायलूश डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन इससे ज्यादा पर जो आपके पास अल्कोहल हासिल हुआ जो अल्कोहलिक सोल्यूशन हासिल हुआ वो कंसनट्रेट हो जाता है और उस कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन में जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ ये जेन में बिठा लेना कि आप फर्मेंटेशन से आप 14% या मैक्सिमम ट्वेल्व uh, परसेंट या मैक्सिमम फोर्टीन परसेंट अल्कोहल हासिल कर सकते हैं अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं अगर हम इससे ज्यादा परसेंटेज वाला अल्कोहल हासिल करना चाहे तो uh, दूसरी बात जो स्टूडेंट आपने जेन में बिठाने देखे दाल दिस अल्कोहल इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन टू तो अबटेन नाइनटी फाइव परसेंट अल्कोहल विच इज रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी ये जो आपके पास अल्कोहल हुआ जिसमें मैक्सिमम 14 परसेंट एथानोल था अब आप इसकी बार बार डिस्टिलेशन करवाएं हमारे पास 95 अल्कोहल होगा नाइनटी फाइव परसेंट रेक्टिफाइड स्पिरिट अगर आपसे कहा जाए ना कि व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट वेरी सिंपल नाइनटी फरटी परसेंट एथानोल इज कार्ड रेक्टिफाइड स्पिरट दोबारा मैं बात बोल रहा हूं अगर आपसे कहा जाए वाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट Is very 95 फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल हासिल हुआ वो 12 परसेंट से लेकर 14 परसेंट होता है अब इस फर्मेंटेशन से हासिल होने वाले अल्कोहल इसकी बार बार डिस्डेशन करवाए तो आपके पास ये इस, ethanol. इस बात को जरा समझना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ये मेरे पास ना ये मेरे पास है अल्कोहल ये ओबेंड ओबेंड फ्रॉम फर्मेंटेशन ये फर्मेंटेशन उससे हासिल हुआ स्टूडेंट इसमें ना इसमें फोर्टीन परसेंट सी टू एच फाइव ओ एच है और इसमें एटी सिक्स परसेंट वाटर हासिल। अब अब क्या किया जाए इससे इससे ज्यादा परसेंटेज वाला हासिल ही नहीं हो सकता अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी ना, करूंगा। मैं वो आपको समझा देता हूं मैं इसको हीट करूंगा जहां मैं इसको हीट करूंगा ना इसके वेपर्स बनेंगे ये वेपर्स मार डी स्टूडेंट ये जो वेपर्स बने ना इन वेपर्स को मैं कंडेंस करूंगा वेपर्स बने वेपर्स को जब मैंने कंडेंस किया ना तो अब मैंने इसकी कंपोजिशन देखी तो पता चला पता चला इट कंटेन्स 50% परसेंट सी टू एच फाइव ओ एच और इट कंटेन्स 50% परसेंट वाटर अब जरा गौर करना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये जो बना दिस वन इज कॉल्ड डिस्टिलेट डिस्टिलेट अब ये जो डिस्टिलेट है ना इसमें 14% परसेंट था फिफ्टी परसेंट एथनोल है इसका मतलब है डिस्टिलेट में की परसेंटेज बढ़ गई वाटर एटी सिक्स इधर कम हो गया एथनोल इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना यह याद रखना सेवन एट पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मतलब है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हुआ और उसकी डिस्टिलेट में कंपोजिशन परसेंटेज बढ़ गई अब अब आपके पास ये जो बनाना अब आप इसको हीट करें इसके वेपर्स बनेंगे ये वेपर्स अब इन वेपर्स को आप कंडेंस करें आपके पास नया डिस्टिलेट बनेगा अब इस डिस्टिलेट में अगर आप देखेंगे दिस डिस्टिलेट कंटेन अबाउट अबाउट तकरीबन मैं बोल रहा हूं नाइनटी फाइव परसेंट एथानोल एंड इट कंटेन ओनली फाइव परसेंट वाटर ये वाला जो आपके पास हासिल हुआ ना ये, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती जा रही है जैसे जैसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती जा रही है ना जो आपके पास डिस्टिलेट बनता जा रहा है ना उसमें एथेनॉल की परसेंटेज बढ़ती जाती है और जो रेजिड्यू बचेगा उसमें वाटर की परसेंटेज बना ना दिस वन इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट स्पिरिट अब याद रखो एक, एक लफ्स आपको बता रहा स्टूडेंट ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है दिस वन इज एन एजियो एजियो मिक्सचर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है अब अब आप इसको ना इसको हीट करें गौर से बात को सुनना है जब आप इसको हीट करेंगे इसके ये वेपर्स वेपर्स बनेंगे इन को कंडेंस करो आपके पास ये बना इसकी कंपोजिशन चेक करो स्टूडेंट इसकी कंपोजिशन क्या है इसकी कंपोजिशन है 95 फाइव परसेंट सी टू एच फाइव ओ एच और 5 परसेंट वाटर और भाई इसकी इसकी कंपोजिशन अब ये बना डिस्टिलेट डिस्टिलेट और ये बना ये जो बाकी बचा दिस वन इज द अब डिस्टिलेट की कंपोजिशन चेक करो वो है नाइनटी परसेंट इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट बना ना इसकी मजीद जब डिस्टिलेट और रेजिड्यू दोनों की कंपोजिशन सेम हो ना उसका मतलब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो रहे आप यहां से यहां तक जाएं, यानी वो अल्कोहल जो फर्मेंटेशन से हासिल हुआ वहां से लेकर रेक्टिफाइड स्पिरिट तक जाएं, तो आप देखेंगे कंपोजिशन वेरी करती जा रही लेकिन रेक्टिफाइड स्पिरिट जब आपके पास बना रेक्टिफाइड स्पिरिट इसकी फर्दर डिस्टिनेशन नहीं होती क्योंकि यह क्या है एजियोट्रॉपिक मिक्सर हम कहां तक आ गए हम रेक्टिफाइड स्पिरिट तक आ गए मेरा टारगेट क्या है मैं ना मैं ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहता हूं जो हंड्रेड परसेंट इथाइल अल्कोहल उसमें वाटर हो ही ना मॉइस्चर हो ही ना ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहेंगे दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस अल्कोहल एनहाइड्रस नो नो मॉइस्चर नो वाटर और एब्सोल्यूट अल्कोहल अब इसको कैसे हासिल करें वो कहते हैं जी

आप इसमें क्या है इसमें 95% फाइव परसेंट है इसमें 5% परसेंट वाटर है वाटर है और, और ये इसमें एथनोल है आपने इसकी कंपोजिशन डिस्टर्ब कर दो जब आप इसकी कंपोजिशन डिस्टर्ब कर देंगे ना ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रहेगा ही नहीं जब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं रहेगा तो फिर आप इसकी डिस्टिलेशन करोगे तो फिर आपके पास ये कंपोनेंट कंपोनेंट समझा रहे एथानोल और वाटर सेपरेट हो जाए में इसकी ना परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्टर्ब कैसे करूं स्टूडेंट हम इसमें ना हम इसमें क्या करते हैं हम इसमें क्विक लाइम ऐड करते हैं क्विक लाइम क्विक लाइम इज सी दिस वन इज हाइड्रेटिंग एजेंट हाइड्रेटिंग एजेंट क्या मतलब इट एब्जॉर्ब वाटर जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे ऐड करके कुछ दिन के लिए आपको ये रख छोड़ना पड़ेगा जब आप कुछ देर के लिए आप इसको कैल्शियम क्विक लाइम ऐड करके रेक्टिफाइड मिक्स करके कुछ देर के लिए रख छोड़े क्या करेगा दिस क्विक लाइम विल विल डाइजेस्ट द द अब्सॉर्ब अब्सॉर्ब वाटर वाटर कर लेगा और जब वाटर ये अब्सॉर्ब कर लेगा इट विल सेटल डाउन ये नीचे बैठ जाएगा और वाटर अब्सॉर्ब करने के बाद इसमें वाटर की परसेंटेज कम हो जाएगी यूं कंपोजिशन फेरी कर जाएगी फिर आप क्या करें आप इसमें से वो जो हैज वाटर तो उसको सेपरेट कर लें जो वो मिक्सचर बचेगा वो अब रेक्टिफाइड स्पिरिट नहीं होगा वो अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं होगा अब आप क्या करें आप उसकी डिस्टिलेशन करवाएं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल अल्कोहल जिसमें वाटर ना होने के बराबर तक, तक, होता है

ये तकरीबन ये चीप होता है सस्ता होता है अब खतरा क्या होता है कि ये जो अल्कोहल है इसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके इसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ड्रिंकिंग पर्पज रोकने के लिए हम अल्कोहल की क्या करते हैं डी नेचरिंग वो कैसे समटाइम्स एथनोल इथाइलकोल इज अ डी नेचर बाय एडिशन ऑफ टेन परसेंट

अब ये जो आपके पास मिक्सचर बना दिस वन इज कॉल्ड मिथाइलेटेड कर सकते हैं बाद हम एसीटोन को भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी में. माय डियर स्टूडेंट ये जो मिथाइलेटेड स्पिरिट बना ये जो डीनेचर्ड अल्कोहल आप इसे मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कह सकते हैं दिस इज कमर्शियल इथाइल अल्कोहल इट कैन बी यूज्ड